मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। और अब अनुष्का शर्मा ने कह दिया है कुछ ऐसा जिसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ सकते हैं। दरअसल अनुष्का शर्मा का कहना है कि ऐ दिल है मुश्किल की शूटिंग के दौरान प्रोड्यूसर डायरेक्टर करण जौहर के खिलाफ वो सेक्सुअल हैरासमेंट का केस दर्ज कराने वाली थी। उनका इल्ज़ाम है कि करण ने उन्हें बहुत ही गलत तरीके से छुआ था। अनुष्का ने ये खुलासा चैट शो कॉफे विद करण में किया। करण के शो में अनुष्का कैटरीना कैफ के साथ पहुंची थी, जो उनके खुलासे के बाद कुछ कंफ्यूज नजर आई। कैट ने इस दौरान करण का पक्ष लिया और कहा, हो सकता है तुम्हें ऐसा लगा हो। वहीं करण ने सफाई देते हुए कहा कि वो सिर्फ उस वक्त मजाक कर रहे थे। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और ये कैसे सामने आया। दरअसल शो के दौरान करण ने ये कबूल किया कि ऐ दिल है मुश्किल की शूटिंग के वक्त उन्हें ये महसूस हुआ कि अनुष्का से उन्हें क्रश है। यहीं से मामले ने ड्रामेटिक मोड़ ले लिया। अनुष्का ने कैटरीना से कहा, माफ़ करना, मैं करण के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का केस करने जा रही हूँ। शूटिंग के दौरान ये मुझे कभी कभी बहुत गलत तरीके से छूते थे। जब करण ने सफाई दी तो अनुष्का ने उन पर एक और एक्ट्रेस के साथ छेड़छाड़ का इल्ज़ाम लगाया। अनुष्का के मुताबिक इसी साल फैशन डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा की पार्टी के दौरान उन्होंने जैकलीन फर्नांडिस को भी गलत तरीके से छुआ था। जब अनुष्का और करण के बीच बहस बढ़ने लगी तो कैटरीना को बीच बचाव करना पड़ा। उन्होंने कहा कि हम इस मामले पर फिर कभी बात करेंगे, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि आप दोनों के साथ कुछ भी बुरा हो। तो ये थी वो बातें जो करण जौहर के शो कॉफ़ी विद करण में अनुष्का शर्मा, करण जौहर और कैटरीना कैफ के बीच हुई थी। फिलहाल इसी के साथ फिल्मी बीट में बस इतना ही।